मैं उसकी शादी करूंगा और जो हमारा घर देख ले, हमारे भाइयों का बच्चे हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, विक्रम बोल रहा हूँ जांगड़ा। वो पता नहीं आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा था, मतलब एक तो अपना नाम बताइए अभी दोबारा। दयानंद था ना? मैं दयानंद फौजी। हम्म। गांव बास खुर्द। गांव बास खुर्द और डिस्ट्रिक्ट हिसार। डिस्ट्रिक्ट हिसार, तहसील अभी नारनौंद होगी, पहले हांसी थी। अच्छा जी, हाँ जी। अब बताओ आप क्या कहना चाह रहे थे एक बार। मैं ये कहना चाह रहा था जी कि लड़की शरीफ बता रही जा रही है कि भाई चाल चलन ठीक है, चोरी नहीं करती, बिल्कुल सही है। ऐसे तुल पकड़ लिया, मतलब मैटर सास बहू का, और वो बात ज्यादा ही बढ़ गई, कुछ बहस में बदल गई वो बात, इसलिए उसको अपना नहीं रहे वो, बिल्कुल कति सारा जोर ला लिया लड़की ने। फिर वो कोशिश कर रही थी तो थोड़ी ही गलत फहमी, भाई भाई के गुस्सा आ गया, पिताजी को घर से निकाल दी और रो रही है, मेरा इस दुनिया में कोई। चलो जी, ये तो सारी बातें हो तो चुकी कोई हैं। नहीं है तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारा कहना ये है जांगड़ा साहब कि वो लड़की ये ना सोचे भाई हमारा कोई नहीं है, हम हैं भाई उसके लिए, बिल्कुल उसके एक बाप के रूप में है हम, हमारी धर्म की बेटी है वो। पहली बात तो सुसाइड ना करे जी, बिल्कुल सुसाइड ना करे। ये देना है भाई, यहाँ किसी भी तरह वो सुसाइड ना करे, और जहाँ मर्जी चाहे अपना घर बसाना चाहती बसा ले। अगर वो हमारे ऊपर भरोसा करती है तो मैं उसकी शादी करूंगा, और जो हमारा घर देख ले, हमारे भाइयों का बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, हमें उस बेटी को सारी चीज दिखाई जाएंगी, बेटा कहाँ कौन सा घर पसंद है, कौन सा लड़का पसंद है, वो करना पसंद चाहे तो उसकी शादी करने को मैं तैयार। अच्छा, मतलब आप उसको एक मतलब अपने घर की बहू बनाना चाहते हो एक बेटी के रूप में? अब मतलब हमारे घर की नहीं बनना चाहती तो जो हमारे भाई हैं परिवार में, हाँ, जो भी मतलब परिवार में है, रिश्तेदारी में है या आपके घर में है, जो भी लड़का है मतलब, हाँ, तो मतलब कहना चाह रहे हो कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे और जो उसकी गुड़िया है वो उसको भी मंजूर करेंगे। गुड़िया कहाँ जाएगी भाई, फिर वो गुड़िया की मारी तो बेचारी इतनी कोशिश कर ही रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा आपने सोचा है, और आपकी सोच भी बहुत अच्छी है, और जैसा आपने बताया उस हिसाब से लग भी आप बहुत भगवान रहे हो। तो इस करके उस बेटी को ये संदेश दे दो, मर्जी उसकी होगी सारी, धर्म का बाप समझ ले हमें कि भाई मेरी उम्र 60 साल है, मेरे जवान बच्चे एक्सपायर हो गए थे, एक बच्चा लास्ट में हुआ था जब बच्चे एक्सपायर हो गए थे, वो 16-17 साल का हो रहा है, तो हम उसकी हेल्प करेंगे हर साइड से, पसंद उसकी होगी। अच्छा, अच्छा जी, एक चीज और आएगी इसमें, अब ये बताओ जैसे फिलहाल तो उसका विजय के साथ मतलब ना तो डिवोर्स हुआ है ना कुछ और हुआ है, मतलब तलाक नहीं हुआ उनका, तो ये चीजें तो अड़चन आएंगे बीच में, तो फिर कैसे होगा? तो उसमें हम विजय से पूछेंगे, बोल भाई पहल तेरी है, आपकी वाइफ है, हाँ, आप अगर राजी हो तो पहल आपकी है, बेटा अपना कोई बात नहीं, झगड़ा हो जाए अगर भाई भी माफी मांगा, हाँ बेटा विजय आपसे, और बेटा आपकी लड़की है, आपकी वाइफ है, इसको अपना ले बेटा, हाथ जोड़ के, बहुत तंगी हो रही है, ये लड़की बहुत रो रही है, कहीं सुसाइड ना कर जाए, कोई बात नहीं, हम भी माफी हाथ जोड़ लूंगा, मैं भी पैर पकड़ लूंगा विजय के, उनके ससुराल में जाके उसके ससुर के सास के पैर पकड़ के माफी मांगूंगा, भाई इसको अपना ले। भाई जब आप ना अपना रहे हो तो अगर हम किसी दूसरे को करा दें, आपको कोई एतराज हो तो बता बेटा। जी बिल्कुल, चलो जी ठीक है, मैं ना एक बार कोशिश करूंगा पूनम से बात करने की, उसे घरवालों से बात करने की, और ये जो चीज मैंने अभी आपसे ने जो बात बताई है ना, ये सारी मैंने रिकॉर्ड की हैं, और इसको मैं मतलब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी डालूंगा, लोगों को भी दिखाऊंगा कि भाई जो लोग मतलब इसको अपना नहीं रहे हैं, और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इसको अपनाने के लिए तैयार हैं, इसको भी इसकी बेटी को भी। हाँ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उसे अपने विजय की रहेगी। पहल जो है विजय की रहेगी, और रायपुर वाला जो मतलब विजय है उसके पिताजी है, उसका परिवार उनकी रहेगी। हाँ, पहल उनकी रहेगी, और हम माफी मांगने के पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं उस परिवार के, पूनम की तरफ से। हाँ, ताकि उनका दोनों का सुलह हो जाए, उनका घर बस जाए, इसलिए उनका घर बस जाए। और फिर भी अगर वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? तैयार है जी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने अपना जो कीमती समय दिया, और ये जो अपने मतलब अपने विचार थे जो हमारे चैनल पे ऊपर रखे आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आपकी बात को पहुंचाएंगे पूनम तक और आम समाज के हर बंदे तक। हाँ।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके जी, धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर।